हेलो, नमस्ते जी सभी को। देखो, मेरा वजन 89 kg हो रखा है। मोटी हो रही, बहुत जा रहा है। तो आज से मैं ये खाना खाऊंगी जो आप देख रहे हैं प्लेट में, ठीक है? और ये दाल है, मट्ठा है और सलाद है, इसी तरह का खाना। मैं ये दाल बिना चुकी है, तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनाई है मैंने। और कुछ दिन तो मैं ऐसा ही खाना खाऊंगी ताकि वेट थोड़ा बैलेंस हो जाए। तो इसके लिए मैंने साबुत मूंग ली है, एक छोटी कटोरी। इसको मैं अच्छे से धो लूँगी पहले पानी से। आप चाहे तो 2-3 घंटे भिगो भी सकते हैं इसको। भिगोने के बाद फिर फूल जाएगी अच्छे से। वैसे तो ये ऐसे भी बन जाती है, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। और ये खाना केवल मैं खाऊंगी, मेरे लिए बन रही है। मैं अपने सुबह के लिए, और सुबह से मतलब शाम तक के लिए एक ही बार बना लूँगी। तो ये मैंने इसमें 4 कटोरी पानी डाल दिया, 1 कटोरी दाल थी। दाल क्या, साबुत मूंग है। इसमें मैं नमक डाल दूंगी स्वाद अनुसार, जैसा आपको चाहिए। एक लौंग भी डल गई है इसमें। और ये मैंने डाल दिया इसमें हल्दी मिर्च। इसको छोंकना नहीं है, तड़का नहीं लगाना है। इसमें मैं कच्चा जीरा डाल दूंगी 2 चम्मच। कच्चा जीरा हमारा पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, और जो हमारा पाचन तंत्र है उसको अच्छा कर देता है। थोड़ा सा हींग भी मैंने डाल दिया। और इसमें मैं 4-5 सीटी लगा लूँगी जब तक ये अच्छी सी पक नहीं जाती, ठीक है? और मैं अपने लिए बना रही हूँ। सुबह घूम के आई थी, आज मैंने काफ़ी शुरू किया है बहुत दिन बाद घूमना, और बहुत सारे स्टेप चले हैं। तो थोड़ी सी थकान भी हो रही थी क्योंकि फर्स्ट डे है। तो मैं अपने लिए बना रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर। ये मैंने पानी चढ़ाया था इसमें 1/2 कप। इसमें मैं थोड़ा सा दूध डाल रही हूँ क्योंकि पहला दिन है, बिल्कुल ब्लैक भी नहीं पी जाएगी। और इसमें मैं मीठा भी नहीं डालूँगी। तो इसमें मैं एक नेस्कैफे जो कॉफ़ी है 1 चम्मच डाल दूँगी पाउडर, ये ऐसे। इसमें ये 1 चम्मच डाल के इसको हल्का सा, देखो दूध में बॉयल आ गया, हल्का सा लिक्विड ही कर लूँगी इसको। और फिर वापस इसमें ये जो मैंने दूध उबाला है, इस दूध को इसमें डाल लूँगी। ये कॉफ़ी है तैयार। इसको मैं अभी, मैं पहले आराम से बैठ के कॉफ़ी को एंजॉय करूँगी, क्योंकि कॉफ़ी पीने से ना थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा हाई हो जाता है। तो उससे ना एनर्जी, ऐसा लगता है कि हमें एनर्जी आ गई। नहीं तो हम मीठा चाय पीते हैं, उसमें मीठा होता है तो उससे लेके एनर्जी महसूस करते हैं। लेकिन मैं कार्बोहाइड्रेट अब कम लेने की कोशिश करूँगी, मीठा बिल्कुल अवॉइड करूँगी। तो इसलिए मैं ये फिक्की कॉफ़ी ले रही हूँ सुबह, और अब मैं रोज़ ऐसा ही करूँगी। कभी कभी ग्रीन टी भी लूँगी, ऐसा नहीं है, डेली कॉफ़ी लूँगी। और डेली मैं अपना खाना बदलती रहूँगी। मूंग दाल से किसी दिन मूंग दाल का चिल्ला बना लिया, या मूंग दाल की सलाद बना ली, या ऐसे ही उबाल के आप सूप की तरह ले सकते हैं। और कुकर में सीटियाँ लग रही थी, कुकर में सीटी भी लग गई है। और मैं आपको दिखाऊंगी, देखो ये बन के तैयार हुई है। ऐसी दाल इस तरह हो जाती है। आप इसे, इसमें आप काट के टमाटर भी डाल सकते हैं, प्याज डाल सकते हैं, कुछ भी डाल दें। बस इसमें तड़का नहीं लगाना है आपको, ये ऐसे ही खानी है सिंपल। तो चलिए करिए इंजॉय। और देखो ताज़ा ताज़ा मक्खन और मट्ठा बना हुआ है, आ जाओ खा लो। तो जी ये है मेरा खाना, नहा धो के अब मैंने पूजा वूजा कर ली है। ये मट्ठा है, ये खीरा काट लिया है, ये है दाल जो मैंने बनाई है, और इसको मैं खाऊंगी। आप समझ सकते हैं जब डाइटिंग करते हैं थोड़ा सा तो देखो एडजस्ट करना ही पड़ता है। तो अभी, और मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। ऐसा नहीं है कि मैं इसको मन मार के खा रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है मूंग की दाल। मैं पूरा दिन, 3-4 दिन लगातार, एक हफ्ता भी पूरा दिन मूंग की दाल पर रह सकती हूँ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कुछ और खाने की मूंग की दाल के सामने, मुझे इतनी टेस्टी लगती है ये। और इसमें मैं तेल नहीं डालती, लेकिन 1 चम्मच घी डाल के ज़रूर खाती हूँ। मैं शाम को भी इसको ही खाऊंगी, और अभी भी इसे ही खा रही हूँ। आप भी चाहे तो करके देख सकते हैं 1-2 दिन कैसा लगता है आपको। और उसके बाद मैंने ये खरबूजा काटा है 1 कटोरी भर के। मैं और अभी दोनों खा रहे हैं इसको, अभी भी मेरे साइड में ही बैठा है। देखो जी आज है पहला दिन डाइटिंग का, और अब 4 बजे मैंने चाय बना ही ली है, क्योंकि अभी एकदम से नहीं छूटेगी चाय, धीरे धीरे करके छोड़ने वाली हूँ, कोशिश करूंगी। ये ठग जाती है छोटी ली। पायल कह रही है मैं थक जाती हूँ और सुनती नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। और आज अभी तक मेरे कदम हो रखे हैं 9,000। आज मैं पहली बार घूमने भी गई थी, और पायल चिढ़ा रही है कि रस खा लो, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी। मुझे अब डाइट करना है, वेट थोड़ा सा कम करना है। कोशिश करूंगी कि 6-7 किलो तो कम कर ही लूं।
देखती हूँ कितना हो पाता है या कब तक डाइट कर पाती हूँ अच्छे से। वेट वेट, आकाश सुनो, आकाश मम्मी ये भूख लगेगी तुम्हें, अबे बोलेगी अबे समोसा लेके आओ, देखेंगे पाद में कितने बदतमीज बच्चे हैं मेरे। चलो देखते हैं चीट करते हैं नहीं करते, लेकिन कभी कभी तो चल जाता है ना थोड़ा सा चीटिंग भी, पर मैं कोशिश करूंगी कि कंटिन्यू करने की डाइट को, और सब कुछ खाते पीते वजन घटाऊंगी, ऐसा नहीं है भूखी नहीं बनूंगी। जो मैंने दाल खाई है आज वो ये कुछ नहीं है, वो भरपेट खानी है, ऐसा नहीं है कि एक छोटी कटोरी खानी है, कुछ भी आप भरपेट खा सकते हो। तो ऐसे ही कोशिश करती हूँ, चलो देखते हैं कितना सफल होते हैं। तो फिलहाल तो मैं चाय पी रही हूँ, आ जाओ आप भी पी लो चाय, पहला दिन है थोड़ा मुश्किल तो होगा। ये वीडियो आपको एक दिन के बाद मिलेगा, जिस दिन मैं बना रही हूँ नेक्स्ट डे आपको मिलेगा। ऐसे ही मैं कोशिश करूँगी हर 4-5 दिन में आपको अपडेट दूँ कि मेरा वेट कितना गया है, और मेरा वेट है 89 kg, देखते हैं कितना घटा पाते हैं। ये है मेरा डिनर, एक खीरा, थोड़ी सी आम की सब्जी मैंने बनाई थी, मुझे टेस्टी लगती है तो इसलिए मैंने इसे खाऊंगी, रोटी नहीं खाऊंगी। और ये है सुबह वाली दाल, इसमें मैंने एक चम्मच ये, लो जी डिनर कर लीजिए, दाल है, थोड़ी सी आम की सब्जी है और एक खीरा है, ठीक है, यही मैं डिनर में खाऊंगी अब, और उसके बाद मैं आधा गिलास दूध लूँगी 10, और मेरे स्टेप हो गए हैं टोटल 10,500। दिखाऊँ आपको, आपको उल्टा दिखेगा शायद, इसमें मैं फोन में स्क्रीन शॉट लेकर लगाऊंगी, फोन में है इसका, ठीक है। सुबह मैंने पिया था 1 लीटर पानी, उसके बाद भी ब्लैक कॉफी, उसके बाद मैंने दाल खाई थी 1 गिलास मट्ठा, 1 खीरा, उसके बाद फिर मैंने 2:30 बजे खाया है तरबूज 1 बड़ा बोल भर कर, उसके बाद फिर मैंने 4 बजे चाय पी थी 1 कप, और 6 बजे 1 गिलास पिया था आम का पन्ना, ठीक है। और अब मैं ये डिनर कर रही हूँ, इसके अलावा और मैंने कुछ नहीं खाया है, तो देखती हूँ कितने दिन सफल होती हूँ डाइट पर मैं, और कितना वेट लूज करती हूँ। चलिए तो कर लेते हैं डिनर, ओके। तो जी ये है मेरे आज के स्टेप, ये फर्स्ट डे है, तो इतना मैं 10,652 है, कितना मैं घूमने गई थी, इतनी कैलोरी बर्न करी, ये देखा इसका स्क्रीनशॉट, ओके बाय बाय।